नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं मिशन 2022। पक्ष विपक्ष पर परस्पर विरोधी प्रहार के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे के 60% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, जबकि 40% वोट में बंटवारा होगा। उनका दावा है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक परिश्रम से संभव हो पा रहा है, जिन्होंने देश और प्रदेश को विकास की सरपट राह पर दौड़ा दिया है। मौर्य के इस दावे से इतर विपक्ष उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाजपा की विदाई तय बता रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसलिए वो भाजपा को सत्ता से बाहर करने की तैयारी में है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गगन चतुर्वेदी जी हैं। गगन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी उत्तर प्रदेश अनूप पांडे जी हैं। अनूप जी, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवनेन्द्र यादव साहब है। अवनेन्द्र यादव साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं अवनेन्द्र यादव साहब आपके पास जाऊंगा। सर, मौर्य साहब का दावा है कि अगले चुनाव में 60% मतदाता भाजपा को वोट करने वाला है, क्या कहेंगे आप? सर, अवनेन्द्र यादव साहब, अवनेन्द्र यादव साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए अनूप पांडे जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल, नमस्कार सर। यही सवाल आपसे है मेरा कि मौर्य साहब का दावा है कि अगले चुनाव में 60% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तब से कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में आए दिन निर्दोष और निरपराध लोगों की हत्या होती है। पहले पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा घटनाएं घटाई जाती थी जी जी। अब इस सरकार में पुलिस के द्वारा ही घटनाएं घटाई जाती है, जो निर्दोष लोगों को भी हत्या करा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है जी। और उत्तर प्रदेश से ही गृह राज्य मंत्री आते हैं देश के जी। जबकि एसआईटी ने बोला कि इनका लड़का जो है साजिश के साथ हत्या किया है जी। तो मंत्री सिपा नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर भारी आक्रोश है जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में जाने में डरते हैं, क्योंकि लोग कपड़ा फाड़ देते हैं जी जी। तो अब पता न हमारे MLC उत्तर प्रदेश से और उप मुख्यमंत्री जी कैसे ये कह रहे हैं कि 60% कहने को, तो वो बंगाल में भी 500 सीट उनकी आ रही थी जी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हवा हो गए जी जी। तो ये हवा हवाई बातें हैं। लूटपाट भाजपा में जारी है, भय भूख और भ्रष्टाचार युक्त सरकार है जी। और काफी आक्रोश जनता में फैल गया है जी। और ये जाने वाले हैं एक नया रास्ता उत्तर प्रदेश में बनेगा जो जनता के लिए हितकारी काम करेगा। सर, आप दावा कर रहे हैं कि गोवा और उत्तर प्रदेश में आप मजबूती के साथ आने वाले हैं, लेकिन आपसे जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का उतना वजूद नहीं है। तो जो 40% वोट की बात कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य साहब, तो वो आप किसका वोट काटेंगे? अगर आप हैं तो वहाँ किनका वोट काट रहे हैं सर आप? देखिए, हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं और जनता किसी की गुलाम नहीं होती जी। दिल्ली के अंदर हमने किसी का वोट नहीं काटा जी। दिल्ली की जनता ने हमें प्यार दिया, तीन तीन बार दिया जी। और जनता के बुनियादी समस्याओं का हल जी इस देश में कोई पार्टी कर सकती है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है जी जी। गोवा, उत्तराखंड और पंजाब जी और उत्तर प्रदेश जी जी, यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गोवा में भी हम संघर्ष कर रहे हैं जी। हम उत्तराखंड में भी संघर्ष कर रहे हैं जी। हम पंजाब में भी संघर्ष कर रहे हैं जी जी। और हम उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष कर रहे हैं जी। भाजपा कहीं नहीं है जबकि भाजपा की केंद्र में सरकार है जी जी। उत्तर प्रदेश में सरकार है जी जी। देश के कई राज्यों में सरकार है जी जी। लेकिन जनता इनको हटाना चाहती है जी जी, क्योंकि इनके सारे वादे चुनाव के पहले जी जी
सब के सब हवा हो गए। यानी आप ठोस विकल्प के तौर पे उभर रहे हैं सर, ऐसा कहना है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी ही इस देश में बुनियादी समस्याओं का समाधान कर सकती है। अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के सपनों का भारत आम आदमी पार्टी ही बना सकती है। जनता के आंसू को आम आदमी पार्टी ही पोंछ सकती है। शिक्षा पे और चिकित्सा पे काम करना हो तो आम आदमी पार्टी को ही लाना पड़ेगा। ये लोग केवल इधर उधर की बातें करते हैं, जनता को फंसाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। अमरेंद्र यादव साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमरेंद्र साहब, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का दावा है कि 60% वोट जो है अगले 2022 जो चुनाव होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरने वाला है, क्या कहेंगे साहब आप? किसका दावा है साहब, मैं एक बार सुनना चाहता हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये केशव प्रसाद मौर्य वही है जो स्टूल पर जगह मिलती है, मंच पर सम्मान भी नहीं मिलता डिप्टी सीएम होने के बाद जी। ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिनके ऊपर विभिन्न थानों में कम से कम 2 दर्जन मुकदमे आज भी कायम है। ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जो भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार बनने वाली थी तो मुख्यमंत्री की पट्टिका लिख दी थी अपने नाम से, और बाद में योगी जी के लोगों ने उसे उखाड़ फेंका और अपमानित करने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं आप? इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं रह गई है, बल्कि जहाँ से जिस विधानसभा से ये चुनाव जीतते हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक एक सांसद पिटा है, एक विधायक अभी ताजा पिटा है। मुझे लगता है कि गली गली गलियारे में जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता गली कूचों में वोट मांगने जाएंगे तो इनका भी यही हश्र होना है। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, ये बेलगाम हो गए हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 60% वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि 60% वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। और इसीलिए ये लोग ईडी का सहारा, आईटी का सहारा और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। ये बौखलाए हुए हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अब हम चुनाव हार जाएंगे तो इनके बड़े बड़े मठाधीश जो नेता तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विद्वान नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में डेरा डालने का काम शुरू कर देते हैं, और साथ में इनकम टैक्स, ईडी और तमाम सरकारी एजेंसियों को लेके आते हैं कि चलो अब हमें चुनाव जिताने का काम करो। चलिए, सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जी से जवाब लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत जानती है और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूत करने का काम करेगी, और 22 में समाजवादी पार्टी की निश्चित तौर से सरकार बनने वाली है। गगन चतुर्वेदी साहब जी, भाई आपने दोनों मेहमानों को सुना, कह रहे हैं कि जो आपके डिप्टी सीएम का दावा है वो हास्यास्पद है। सर, अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि अब आपकी रवानगी का वक्त आ गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये लोग सही कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था का राज है जी। आम जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही आज कानून का पालन हो रहा है। आज शांत प्रिय माहौल में हम लोग जी रहे हैं। हमारी माताएं बहने स्कूल विद्यालय हर जगह जा रही है। पहले तो रास्ते में लूट हो जाती थी, रास्ते में डकैती पड़ जाती थी। आज हम देखते हैं रात के 12 बजे गांव के लोग शहर से चले जाते और कहीं लूटपाट नहीं हो रही। दूसरी बात, सरकार ने सभी वर्गों के लिए चाहे योजना उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे प्रधानमंत्री सिर्फ योगी मानधन योजना के तहत हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हो, चाहे आयुष्मान योजना के तहत हो, चाहे ग्रामों में बिजली के तहत हो, चाहे स्वच्छता एवं शौचालय के लिए हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हो, लगभग 90% लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। इसलिए हम काम पर विश्वास रखते, ये लोग केवल जातिवाद, परिवारवाद, वर्गवाद पर विश्वास करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये 60% पर 60% ना आ जाए ये लोग। गगन जी, हेलो सक्सेना जी, गगन एक मिनट आ रहा हूँ सर। गगन जी, हाँ गगन जी, जी अमरेंद्र यादव साहब का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या एमएलए हैं जो जगह जा रहे हैं वोट मांगने जा रहे हैं तो उन्हें जनता वहां से भगा रही है, खदेड़ रही है। ये बिल्कुल
बिल्कुल गलत हाला है। ये जनता कहीं नहीं कर रही, कुछ सपा समाज भाजपा पार्टी पूर्व में भी ये कार्य करती रही है, कुछ अराजक गुंडों को सहारा लेकर ये लोग उत्पात बचाते हैं, और ये उत्पात बचाएंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। अनूप पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि हमारे महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जी थोड़ा इनसे पूछिए कि वो लड़की को 2 बजे रात में डीजल डाल के क्यों पुलिस ने जलाया था, हथरस वाली बेटी को। जी इनसे पूछिए कि गोरखपुर में एक व्यापारी गया था व्यापार करने, पुलिस ने उसके साथ क्या किया था। जी इनसे पूछिए कि कानपुर में 15-16 पुलिस वाले कैसे मर गए। जी इनसे पूछिए कि पटारिया जो इनका SSP है बांदा में, वो वाजपेयी से रंगदारी मांग रहा था। पहली ये सरकार है जहां पुलिस वाले रंगदारी मांगते हैं, पुलिस वाले गुंडा के रूप में जनता के सामने पेश आते हैं, पुलिस वाले खुलेआम गुंडा ही कर रहे हैं। पहली ये सरकार है। जी। किसानों को कौन कुचला जीप से, वो टेनी कैसे घूम रहे हैं जो गृह मंत्री के रूप में है, सबसे बड़ी संस्था है भारत सरकार की गृह मंत्री का जो मंत्रालय होता है, जिसके अंदर सारा पुलिस होती है, ये तो इनका चरित्र है। और ये बता रहे हैं कि कानून का राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अहंकार का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में की जनता के साथ ब्रिटानिया हुकूमत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। गगन चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, सर जवाब ले लेते हैं, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिए हैं। चलिए सर, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर, जवाब ले ले आप सामने सर जवाब दे दीजिए। गर्दी करते FIR दर्ज नहीं होती है, आज चाहे SSP हो, चाहे DM हो, चाहे नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों हो, खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सरकार सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था का राज है कि नहीं है, पहले गुंडे फरार होते थे, काम करते थे गुंडे। सर उनको बात पूरी करने दीजिए, अनूप पांडे जी उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बात करिए प्लीज। जी बोलिए गगन जी, गगन जी बात पूरी करिए। किसी के साथ शोषण नहीं हो रहा, अगर कहीं भी SSP ने चूक की होगी तो उसको दंडित करने का काम सरकार ने किया, इसी ने भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो सरकार ने निष्पक्षता से जांच की और उसको सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। जी चलिए, अमरेंद्र यादव साहब जी, जी प्रदेश में केंद्र और यूपी सरकार एक के बाद एक विकास कार्यों की सौगात दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 4.5 साल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? मैंने बहुत विनम्रता के साथ आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को सुना है जी। मैं एक एक बात का आपको सलीके से जवाब देना, बिल्कुल जवाब दीजिए। ये जो कहने का काम कर रहे हैं कि बड़ा भारी लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है, इनको जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में एक IPS अभी भी भगोड़ा है, इनकी पुलिस पकड़ नहीं पाई। दो IPS भगोड़े हैं। दूसरा, ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें पुलिस का अधिकारी, आला अधिकारी दूसरे आला अधिकारी पर रिश्वत लेने की बात कर रहा है, खुलेआम करता है। आप याद करिए, इनको याद दिलाइए कि हो सकता है ये भूल जाते हो, इनकी भूलने की बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि ये सौगातें बांटने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ये चिलमजीवी लोग, ये धुआंजीवी लोग, ये गंदी कुदृष्टि रखने वाले लोग, ये इतने भयानक रूप से इतने ज्यादा बेशर्माई लाद ली है कि किसान को 6,000 रुपए देते हो साल में, शर्म करिए, उसकी जो बोरी आती थी 50 किलो की खाद की, उस खाद में भी 5 किलो की चोरी करने का काम किया और उससे दुगने रेटों पर खाद बिकवाने का काम किया, इनको आदत पड़ गई है उत्तर प्रदेश की जनता को लाइन में लगाने की। पहले नोटबंदी में लाइन में लगाया, फिर कोरोना की महामारी में दवाइयों के लिए लाइन में लगाया, फिर बिस्तर के लिए लाइन में लगाया, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगाया, फिर DAP के लिए, फिर यूरिया के लिए लाइन में लगाया। अब यही उत्तर प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी को लाइन में लगाकर वोट देने का काम करेगी और इनके मुंह पे काली पोतने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश के खदेड़ा करने का काम करेगी। गगन जी
आरोप सक्सेना जी, जी सर एक मिनट गगन जी जवाब ले फिर आपसे बात करूंगा जी। ये इनका भाषण जो माननीय अभिनंदन जी कह रहे चिलिन जी, ये इनके संस्कार बोल रहे हैं जी। अगर ये सरकार में होते तो क्या क्या सर उन्होंने सुना आपको, आपको सुन रहे उनको सुनिए जी की बाड़ी जो है कभी ये चिलिन जी भी कहेंगे कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे जी। लेकिन ये किसानों को कम से बात करें ना प्लीज सर, आपके नेता गगन जी सुन लें फिर जवाब आपके बता दूँ। किसान आ रहा हूँ सर आपके बता रहा हूँ गगन जी पूरी बात करिए। तरीका ये नहीं कि आप किसी पर कोई भी आरोप लगा दें, ये देश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है, आपने नहीं सुना अकेले। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं, ये देश की जनता को आप गालियां दे रहे हैं क्या? गाली देने का काम नहीं करिए, देश की जनता को गाली दे रहा है कि भ्रष्ट लोगों को गाली दे रहा है। खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे देश की जनता, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नैतिकता कहाँ थी? सर गगन जी को सुन लीजिए, सर गगन जी को सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा सर। गगन रहे मगन जी, गगन जी को कोई सुनना नहीं चाहता, गगन जी को झूठे का माना रूप देना चाहते हैं। देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी बनाया, 2017 में काम किया, उत्तर प्रदेश दिया, देश की जनता ने जो जो हमने काम किए उस पर विश्वास किया। अरे आपने नोटबंदी करके नारा हड़प लिया, खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है, ये खाली प्लाट हम कैसे पड़े हैं? चलिए चलिए मैं चलिए चलिए मैं चलिए एक सवाल कर रहा हूँ अनूप पांडे जी से, ठीक है गगन जी? ठीक है बात पूरी हो गई गगन जी एक मिनट गगन जी, तो तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। चलिए गगन जी चलिए गगन जी एक सवाल कर लूँ, दोनों नेता आपके दोनों नेताओं की बात कर लूँ मैं, अनूप पांडे जी से सवाल कर रहा हूँ। अनूप जी पिछले जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं और चुनाव नजदीक हैं और देखा जा रहा है कि आपके नेता समाजवादी पार्टी से गलबैया कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं आ पा रहा है कि आप गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर। देखिए जो विपक्षी दल हैं आपस में डायलॉग करते हैं जी, किसी से डायलॉग करने का मतलब गठबंधन करना नहीं होता है, कहीं गठबंधन का ऐलान या कहीं ऐसी चीज नहीं हुई जी। जी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने के लिए जी विपक्षी लोगों में डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, मुद्दों पे होती है जी। जी पहली बात जी, यह जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है ये मारो और मुआवजा दो के नीच पे चल रही है जी। पहले मारते हैं फिर मुआवजा देते हैं, फिर इनके कार्यकर्ता धन्यवाद योगी जी धन्यवाद मोदी जी करते हैं। भारत के इतिहास में यह कभी ऐसा नहीं हुआ कि निर्दोष लोगों की हत्या हो, और एक ही नहीं ये जो पैसा जो बांट रहे हैं लगता है कि अपने खजाने से बांट रहे हैं, अपने घर से बांट रहे हैं, कि मैंने पुलिस जो है गलत काम करती है और पुलिस के गलत काम को ये घटते हैं, और जो व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका ये सहयोग करते हैं। एक नमूने के तौर पर आधा सेकंड लूंगा, बलिया जनपद में भ्रष्ट नगर पालिका के ईओ के खिलाफ यहाँ के सभासदों ने आंदोलन किया, सभासदों के ऊपर मुकदमा करके जेल में डाल दिया गया, आपराधिक मुकदमा किया गया, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको यहाँ के लोग बचा रहे हैं, यहाँ का शासन प्रशासन बचा रहे हैं। यही नहीं संजय सिंह जी के ऊपर हमारे जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश 18 मुकदमा किया गया, भला बताइए संजय सिंह राष्ट्रद्रोही है? और ये जो सरकार चल रही है, लेकिन मेरे सवाल मेरा सवाल का जो मूल सवाल था उसका जवाब नहीं दिया सर आपने, उसका जवाब दीजिए सर मुझे, मैं जानना चाहता हूँ क्या समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके साथ चुनाव लड़ने वाली है? बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी पूरे देश भर में कहीं कोई गठबंधन से चुनाव न लड़ेगी न भविष्य में कहीं। चलिए सर एक बात और बता दीजिए सर, एक और बता दीजिए, पिछली जो सरकार थी अखिलेश यादव सरकार और जो मौजूदा सरकार है, इन दोनों के कार्य प्रणाली के संबंध में आपसे जानना चाहूंगा कि आप किसे बेहतर मानते हैं सर? देखिए अखिलेश जी के काल में तो थोड़ा बहुत सुनवाई हो भी जाती थी, यह सरकार तो एकदम अहंकारी है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जनता के लिए होती है और जनता की बात को सुनती है जी, यह सरकार सुनती ही नहीं है। एक साल तक किसान आंदोलन करता रहा और यह सरकार नाना प्रकार के किसानों के ऊपर लांछन लगाती रही, और नरेंद्र भाई मोदी जी माफी मांगते हैं जी।
इसलिए कि चुनाव आ गया है और ये जो सरकार है ये कारपोरेट वाली सरकार है, ये जनता को ठोको नीच पर लेके चलती है ये सरकार, और इस सरकार को लोग एक मिनट नहीं देखना चाहते, इनके सारे विधायक। अब आपको एक नई घटना बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में जितने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के सदस्य हैं, आधे से अधिक लोगों का टिकट कटने जा रहा। क्यों टिकट कट रहा है भाई? इसका मतलब यह है कि इतना भ्रष्टाचार किए हैं अपने क्षेत्र में, सड़क टूटी फूटी, सड़क में लोग 40% पीडब्ल्यूडी में, 30% जिला पंचायत में, ये चारों तरफ से इतना विधानसभा स्तर पर इतना लूट मचाए हैं कि अगर इनको दोबारा टिकट दे दिया जाएगा तो वो हार जाएंगे। तो पूछिए हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जो गगन जी बैठे हैं, गगन जी जिस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है? गगन जी ये आप जवाब भी दीजिए, एक सवाल है मेरा आपसे। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हो गई सर, गगन जी से बात कर ले। हमारे मित्र अनिल जी ने आरोप लगाए हैं जी जी कि कमीशन खोरी चल रही है जी जी, बहुत ज्यादा की सुन लीजिए सर, पहुँच रहा है जी, कमीशन खोरी का काम नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर कोई विधायक ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको हटाने में भी इनको पीड़ा हो रही है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है अधिकारी तो उसको दंडित कर रहे, उसमें भी अनूप जी को पीड़ा हो रही। अरे हम लोग कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का संस्कार है, इसलिए हो रहा है। जवाब तो लेने दीजिए जी, अगर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तब भी इनको दर्द है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तब भी इनको दर्द है, अगर पुलिस कोई उत्पीड़न कर रही, किसी का उत्पीड़न कर रही है तो हम लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया और उस अधिकारी को बर्खास्त करने का या सस्पेंड करने का काम किया, ये नहीं किया कि ये भारतीय जनता पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी का। हम लोग ने जाति वर्ग भेदभाव को कभी नहीं देखा, हम लोगों ने आम आदमी को देखा, हमने हर गरीब के खाते में 3 रुपया पहुंचाया, कोई बीच में दलाली नहीं की। चलिए गगन जी एक सवाल है आपसे, गगन जी जिस विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है ऐसे में भाजपा परेशान है, और ऐसे में उन्होंने अपने शीर्ष नेताओं को प्रधानमंत्री जी या अन्य बड़े वरिष्ठ नेताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में उतार दिया है, क्या कहेंगे आप सर? क्या आप सवाल हो रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग हर क्षेत्र में अपना काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो बूथ स्तर तक काम चल रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं टैक्स वोट बनवाने से लगा के योजनाओं का लाभ दिलाने का, तो सेक्टर ऑफ बूथ तक हम लोग जा रहे हैं, अगर बूथ में कोई शिकायत है तो वहाँ पर शिकायत पेटिका रखी गई है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है गगन जी, मेरा सवाल ये है क्या उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं, उन नेताओं के भरोसे चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे क्या, कि आपको केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे उतरना पड़ रहा है, चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे मुखिया प्रधानमंत्री जी है, सारी योजनाओं को क्रियान्वयन प्रधानमंत्री जी की देखरेख में होता है, अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समय दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, विपक्ष का ये कहना है कि अब चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है, पहले 4.5 साल क्यों नहीं आए, इतना काम क्यों नहीं हुआ? उनका चिल्लाने का काम है, अगर उत्तर प्रदेश में समय दे रहे तो चिल्लाएंगे, नहीं समय दे रहे तो चिल्लाएंगे, माननीय पीएम साहब आते नहीं, और जब आने लगे तो ज्यादा रहते हैं, उनका कर्म है। चलिए अब नरेंद्र यादव साहब जी, आप कह रहे हैं कि यूपी में कुछ नहीं हुआ, जबकि मौर साहब का कहना है कि प्रदेश है ना, देश और प्रदेश सरपट दौड़ रहा है, विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर में देश दौड़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बहन बेटियों को पहले रेप किया जाता है, उसके बाद इनकी पुलिस डीजल और पेट्रोल डाल के अमानवीय कृत्य करते हुए रात को 12 बजे उसका दाह संस्कार करने का काम करते हैं, और अंतिम समय में उस बेटी के माँ बाप को भी दर्शन लाभ करने का मौका नहीं देती। इस ओर प्रदेश बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तमाम लूट की घटनाएं, छिनैती की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, और तो और मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत में कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता
जिन क्षेत्रों में नंबर वन आने का काम करते हैं उनको छुपाने का काम करते हैं। आप पता कर लीजिएगा, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे नंबर वन पे है क्राइम में। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती तो क्या है? दुनिया भर के जो लीपापोती करने का काम इनके नेता करते हैं, अब केवल खींच मिटाने का काम केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और अड़ोस पड़ोस के मुख्यमंत्री भी आके यहाँ सीना तानने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन की बात और है, अखिलेश जी आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। अब जाते समय ये तमाम कुकृत्यों की जो श्रृंखला है इसको ढकने का काम करेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, इधर उधर के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। विकास का कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर जो विकास का मादा होता तो ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते ना। ये सर उनके मुख्यमंत्री दूसरे देशों में स्वाभाविक आएंगे, आपके होते तो आप भी बुलाते सर, कांग्रेस भी बुला रही सर। ये बात सही है आपकी, हमारे होते तो हम भी बुलाते, कांग्रेस भी बुला रहे सर। कांग्रेस जब इनके नेता इतने बाहुबली हैं, इतना इन्हें कैंप पे विश्वास है तो लड़ो ना आके आमने सामने ताल ठोक के समाजवादी पार्टी से। आज भारतीय जनता पार्टी की चूड़े हिल गई है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के गगन जी, चलिए ठीक है ठीक है, कार्यक्रमों में जल सैलाब उभर रहा है। चलिए ठीक है, एक एक मिनट गगन जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ठीक है गगन जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं अनूप पांडे जी के पास जाऊंगा। सर एक जानकारी मैं जानना चाहता हूं सर, दिल्ली में जिस पैटर्न में आपने चुनाव लड़ा, जो आपने घोषणाएं की, जाओ जिसको आपने उसको क्रियान्वयन किया, उसी तरह की घोषणाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी कर रही हैं, में बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, ये तो क्या अब आपको उत्तर प्रदेश में अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए या मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आपको कुछ नए पैटर्न की आवश्यकता होगी सर, क्या कुछ करेंगे? अनुप पांडे जी चलिए गगन जी आप जवाब दीजिए। नरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके नेता इकलौते नेता है, एक छत्र राज्य है, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं, मेरे यहाँ संगठन है, संगठन के सारे लोग रहते हैं। और उस मामले में आपने पूर्व में भी कहा था जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, नेता नाबूद हो जाएगी, आपके कितने सांसद बने, आप घटे कि बड़े। और अगर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में 383 तक पहुंच गए, हमने कहीं भी कमजोरी अपनी नहीं की, हम आगे उन्नत के लिए बढ़ रहे हैं। सर एक बात और जानकारी गगन जी, गगन जी चलिए अच्छा अंतिम सवाल गगन जी आपसे है, अंतिम सवाल है सर, राकेश टिकैत ने कहा है कि वो सपा और आरएलडी को समर्थन करेंगे, आपने किसान कानून वापस ले लिए तो आपको ये लगा कि अब शायद किसान आपके साथ है, लेकिन किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अब भाजपा के साथ नहीं सपा और आरएलडी को समर्थन करेंगे, क्या करें क्या करेंगे इस संबंध में आप? वो तो पहले ही तय था कि वो राजनीतिक मंच के सहारे काम कर रहे हैं जी, किसी के उकसाने पर कार्य कर रहे हैं जी, अब उन्होंने दिखा दिया। दूसरी बात, अगर वो किसानों के हितैषी है तो किसानों के लिए काम करें, किसान संगठन के लिए कार्य करें, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो तो काम करना चाहते हैं, वो तय करके बैठे हुए थे। दूसरी बात, हम उनकी काम पर बुराई नहीं मानते, आपकी सरकार पे किसकी मदद करेंगे किसकी नहीं करेंगे, लेकिन किसान किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसान सम्मानित किसानों को सम्मान किया गया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। जब इतने खराब थे कानून तो लागू क्यों किए, और जब लागू किए तो वापस क्यों? चलिए चलिए समय इतनी ही इजाजत देता है मुझे, चुनाव से पहले नेताओं का दावा होना दावा करना आम बात है, लेकिन इन दावों को जनता उसकी हवा निकालती है और उस पर मोहर भी लगाती है। आने वाला समय आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि इन नेताओं के दावों में कितना दम है। फिलहाल आज इतना ही, गगन चतुर्वेदी जी आपका, अनूप पांडे जी आपका और अमरेंद्र यादव जी आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिशन 2022 में कल फिर एक नए मुद्दे के साथ नए पैनल के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए साधना न्यूज, नमस्कार।